सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। और अभी सुबह के 8:53 हो गए हैं, तो वैसे भी मुझे कुछ काम है इटावा, तो मैं सोच रहा हूँ इटावा चलते हैं। और फिलहाल सुबह सुबह मैं यहाँ पे शूट कर रहा था वीडियो, तो फिलहाल यहाँ से चलते सीधा इटावा। इटावा कुछ काम था, और दीपावली भी आने वाली है, तो चलिए फिलहाल यहाँ चलते हैं इटावा। कुछ काम था थोड़ा बहुत, तो उसको निपटा के आते हैं। तो चलो गाइस, आज मैं ये वाली शर्ट डाल लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने शर्ट चेंज कर लिया, और यहाँ पर मेरी कुछ शर्ट्स रखी हैं, तो ये ऐसी पड़ी रहती है फोल्ड वाली, इसको मैं सीधा भी नहीं करता, ऐसे ही डाल लेता हूँ सीधा, तो खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल यहाँ चलते हैं, अपना कवर लेना ज़रूरी है, मोबाइल गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं गाइस। और मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ इटावा से। इटावा गया था कुछ काम से, और अभी मेरा काम जो कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी दुकान बैठा हूँ। तो आज दिन भर मुझे दुकान पे ही बैठना है, तो देखते हैं दिन भर जो भी होगा वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा गाइस। और सुबह सुबह जाने का फायदा ये मिलता है कि आपको इतनी भीड़ नहीं मिलती मार्केट के अंदर, आप अपना काम निपटा के आ सकते हो। जैसे कि मैं आ चुका हूँ, और जो भी सीन रहेगा तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो गाइस दीपावली आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पटाखे ले लिए जाएँ। आप मुझे पता नहीं पटाखे रखे हैं या नहीं रखे, मम्मी आएंगी आज या कल, मैं मम्मी से पूछूंगा, अगर पटाखे होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैं ले आऊँगा थोड़े बहुत। लेकिन पिछली साल में लेके आया था अप्रॉक्स 1000 या 2000 रुपये के लेके आया था, तो आधे पटाखे जो मैंने बर्थडे पे चलाया था आयंस के, जो कि आपने ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो मैंने उस दिन चलाए थे। बताओ दीपावली मैंने पटाखे चला ही नहीं पाए थे, और मेरा मन ही नहीं होता, मैं शौक के लिए लेके रख लेता हूँ, 1 साल 2 साल पड़े रहते हैं, तो वो चीज़ है। और इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि पटाखे ले आऊँ जाके और अपने बाल भी कटवा लूँ। आज बृहस्पतिवार है, अब ये ब्लॉग मुझे पता नहीं कब मैं डालूंगा, आज थर्सडे है, और देखते हैं शुक्रवार या शनिवार को आपको मिल जाएगा जहाँ तक कहा था। मैं आज ही डाल दूँ, कोई भरोसा नहीं है, ब्लॉग का कोई गैस पता नहीं है कि कब डालूँ मैं, आज डालूँ या कल डालूँ या परसों डालूँ। Many hours later. तो गैस आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन को रिप्लेस किया जाता है, ये आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो सिर्फ रिप्लेसमेंट जो करता है उसी को पता रहता है, लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग रिप्लेस करते हैं मोबाइल को, मोबाइल की स्क्रीन को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए गैस, मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, तो आज मैं खाली बैठा था, मैंने सोचा क्यों ना आपको ये प्रोसेस दिखाया जाए। सिर्फ ये प्रोसेस तो सिर्फ दुकानदार को करना पड़ता है जो कि रिप्लेस करता है। बस फिलहाल हमारे पास ये है माइक्रोमैक्स N1B, जो कि मोबाइल है जिसका फोल्डर टूटा हुआ है। तो हमने क्या किया, सिंपली सारे पीच आप देखते हैं यहाँ पर रखे हैं, और इसकी जो ऊपर की ढक्कन की लिड है वो ये रही मेरे पास, तो मैंने सिंपली सिर्फ पेज खोले हैं, कुछ नहीं किया, और इसके भी पेज खोल दिए हैं, तो इसको भी मैं हटा के दिखा देता हूँ। और ये जो है इसका, इससे चार्जिंग पिन के सीधा करंट इसमें जाता है, और आपको सिंपली सिर्फ बैटरी को रिमूव करना है इस तरीके से, और ये रहा आपका मोबाइल। तो ये गाइस ये है मेन चीज़ जो कि फोल्डर का पत्ता है, इसको हटा के कुछ इस तरीके से आपको हटा लेना है, जो कि आपको नहीं हटाना, जब भी आप रिपेयर कराओ तो मैं आपको ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो बता दे रहा हूँ किस तरीके से वो लोग चेंज करते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग हो गया है, तो अब सिंपली नया फोल्डर होता है, यहाँ पर ग्लू लगा के चिपका दिया जाता है, यहाँ पत्ता लगाया जाता है, बैटरी लगाई जाती है, और आपका मोबाइल जो पैक। तो गैस फिलहाल शाम के बज रहे हैं 5:40, और गैस मैं सोच रहा हूँ कि इटावा जाया जाए, बिकॉज मुझे कुछ काम था, और मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह चलते हैं इटावा, और कल सुबह मैं आपको कालीबाई मंदिर का ब्लॉग भी दिखा दूँगा। तो कल थोड़ा सा मोटो ब्लॉग भी करेंगे गैस, काफ़ी दिनों से मोटो ब्लॉग भी नहीं किया था तो रखा है, तो मैं सोचा क्यों ना कंटेंट ना जाए, कल सुबह चलेंगे मोटो ब्लॉग भी करेंगे, कल सुबह सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो गाइस ये है कानपुर और इटावा के लिए, और इस साइड पड़ता है MP, मध्य प्रदेश, ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर से आगे झांसी। तो गाइस ये वाली जो रोड है ये है आगरा के लिए, आगरा रोड, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज रहता है। Many hours later. तो गाइस शाम हो चुकी है और मैं अभी छत पे हूँ, पीछे आप व्यू देख सकते हो। तो गैस फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे, और बज रहे हैं 7:50, 7:50, ब्राइटनेस ज़्यादा इसमें, हाँ 7:50 इन द इवनिंग। तो गैस मैं सोच रहा हूँ कि इस स्टूडियो में थोड़ी लाइटिंग और अच्छी तरीके से कर दी जाए, यहाँ पे ट्यूबलाइट्स लगे हैं तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आएगी, और मुझे अपनी जो टैग वीडियो शूट करनी पड़ती है यहाँ ग्रीन स्क्रीन पर, तो इसके लिए प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, तभी बैकग्राउंड चेंज हो पाता है, अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो आपका जो
जो मैं शूट करता हूँ तो ये चेहरा या फिर बाल जो थोड़ा बहुत कट हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक प्रॉपर लाइटिंग कर दी जाए। तो गैस कल मैं जाऊँगा इटावा, और कल मैं दो ट्यूबलाइट लेके आना है मुझे, एक इस कोने में लगाना है और एक इस कोने में लगाना है। सोच रहा हूँ ट्यूबलाइट लगाने से इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर लाइटिंग हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं सोच रहा हूँ कि टैग चैनल पर काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा मुझे, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए गाइस फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आता लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।